हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहताब आलम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चंद्रयान 2 के बारे में कि चंद्रयान 2 क्या है, इसे लॉन्च क्यों किया गया जबकि चंद्रयान 1 को पहले ही लॉन्च किया गया था। हालांकि चंद्रयान 2 लॉन्च होने के बाद ये असफल क्यों हो गया? असफल होने के बाद हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से क्या कहा और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बीच क्या अंतर है। अगर आप चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग से लेकर अभी तक पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले मैंने दो और वीडियोस बनाई थी कि चीन कब खुद का चांद होगा और गगनयान के बारे में। अगर आप इन दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। खैर, अब हम उसी टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 2 क्या है। चंद्रयान 2 एक अंतरिक्ष यान है। इसके तीन सबसे अहम हिस्से हैं, लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर। लैंडर का मतलब होता है किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर लैंड करना। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे किसी ग्रह, जैसे कि चांद, चांद पर लैंडर जाकर गिर जाएगा। वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग होती है, यानी लैंडर धीरे धीरे उतरता है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान में से एक रोवर निकलता है। रोवर का काम होता है घूमना। आप यूं समझ सकते हैं कि एक गाड़ी होती है जो कि दूसरे ग्रह या उपग्रह की सतह पर एक रिमोट के माध्यम से चलाया जा सके। और तीसरा है ऑर्बिटर। इसमें ऑर्बिटर का काम होता है चांद के चारों तरफ रिवॉल्व करना, यानी चक्कर लगाना, और धरती और रोवर के बीच संपर्क बनाए रखना। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर विक्रम साराभाई के नाम पर उनके सम्मान में ये नाम रखा गया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 को इसलिए लॉन्च किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि चांद पर पानी है या नहीं। और मजे की बात यह है कि ये मिशन पहली ही बार में सक्सेसफुल रहा और उसके बाद इंडिया एक बार फिर से चांद पर मिशन करने की तैयारी में लग गया। और फिर 12 नवंबर 2007 को इसरो और रसिया की एक फेडरल एजेंसी जिसका नाम है रॉस कॉस्मोस ने एक साथ मिलकर चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट पर काम करने का समझौता किया। और इस प्रोजेक्ट में इसरो के ऊपर मिशन के प्रधान जिम्मेदारी थी और इसरो अपना खुद ऑर्बिटर और रोवर बनाने वाला था। चंद्रयान 2 में चंद्रमा पे उतरने वाले लैंडर को बनाने का जिम्मेदारी रॉस कॉस्मोस को दिया गया था। 2013 में चंद्रयान 2 का लॉन्च डेट रखा गया, लेकिन इसी बीच एक समस्या आ गई। समस्या ये थी कि रसिया चंद्रयान 2 के लैंडर को टाइम पे नहीं बना सका, जबकि इसरो ने अपने ऑर्बिट और रोवर को लॉन्च डेट से पहले ही बनाकर तैयार कर लिया। इसलिए इस मिशन का डेट बढ़ाकर 2016 तक कर दिया गया। रॉस कॉस्मोस ने अपने एक स्पेस क्राफ्ट को 8 नवंबर 2011 में लॉन्च किया था जिसका नाम फोबोस करंट यानी फोबोस ग्राउंड था। बेसिकली ये एक लैंडर था। इस मिशन का मकसद था मंगल ग्रह के चांद फोबोस पे लैंड करना और उसके सैंपल्स को धरती पे वापस लाना, जिसे हम सैंपल्स की स्टडी कर सके। लेकिन रशियन का यह मिशन फेल हो गया। इसी वजह से चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट से हट गया, क्योंकि फोबोस ग्रंट मिशन जिस टेक्निक का यूज किया था उसी टेक्निक का यूज चंद्रयान 2 में करने वाला था, जो कि नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा था कि इस टेक्निक का यूज फिर से करेंगे तो चंद्रयान मिशन 2 भी फेल हो जाएगा। अब इसरो के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उन्होंने ये संकल्प लिया कि ये पूरी की पूरी मिशन खुद ही करेंगे। आपको बता दें कि इन सारे उपकरणों के बनाने के बाद भी ये मिशन कई बार डिले किया गया। मार्च 2018 से अप्रैल और अप्रैल से अक्टूबर और अक्टूबर से फरवरी 2019 में टाल दिया गया। दरअसल डिले होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्हें टेस्ट नहीं किया गया था। बट फाइनली चंद्रयान 2 मिशन
22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 अब चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के लिए 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि ये मिशन 15 जुलाई 2019 को ही लॉन्च हो जाता, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन में लीकेज होने के कारण इसे रोक दिया गया था। चंद्रयान 2 मिशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि चांद की सतह का नक्शा तैयार करना, खनिजों की मौजूदगी का पता लगाना, चंद्रमा के बाहरी वातावरण को स्कैन करना और पानी की उपस्थिति का पता लगाना था। चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया। दोस्तों चलिए जानते हैं कि चंद्रयान 1 को लॉन्च करने के बाद चंद्रयान 2 को क्यों लॉन्च किया गया और इन दोनों के बीच क्या अंतर है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर यह है कि चंद्रयान 1 को उत्तरी ध्रुव पर लॉन्च किया गया था पानी की खोज के लिए, तो वहां पे उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में आइस के फॉर्म में पानी जमा होने की खोज की थी और चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम और सिलिकॉन होने का भी पता लगाया गया। चंद्रमा का मैप भी चंद्रयान 1 ने तैयार किया था, जो कि इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड किया गया। हालांकि ये दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करना काफी मुश्किल काम है, जो कि आज तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पे नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 1 312 दिन तक चांद के मिशन पे था, जबकि चंद्रयान 2 एक साल तक चांद के मिशन पे रहेगा। चंद्रयान 1 ने 3400 बार चांद के चक्कर लगाए थे, जबकि चंद्रयान 2 पहली बार चांद पे उतरा था। चंद्रयान 1 पानी की खोज की थी, जबकि चंद्रयान 2 मिट्टी की खोज करेगा और भी बहुत कुछ। चंद्रयान 1 में 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि चंद्रयान 2 में 603 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो कि काफी कम खर्चे में इस मिशन को किया गया है। अगर हम वजन की बात करें तो चंद्रयान 1 की वजन 1380 किलोग्राम का था, जबकि चंद्रयान 2 का वजन 3850 किलोग्राम का है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो काम चंद्रयान 1 नहीं कर पाया है वो काम चंद्रयान 2 करेगा, इसलिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 2 मिशन हम GSLV Mark 3, GSLV का मतलब होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल मार्क 3, रॉकेट के जरिए करीब 3877 किलोग्राम भार के 3 पेलोड्स को चांद की ओर भेजा गया है, जिसमें से पहला है ऑर्बिटर, जिसका वजन लगभग 2379 किलोग्राम है, जो कि चांद के ऑर्बिट से सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और दूसरा है विक्रम लैंडर, जिसका भार लगभग 1471 किलोग्राम है, और तीसरा है प्रज्ञान रोवर, जिसका वजन 27 किलो है। ये सोलर पैनल्स के एनर्जी से काम करता है। और दोस्तों सबसे दुखद बात यह है कि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम को 7 सितंबर 2019 की रात 1:55 पर लैंड करना था, पर चांद की सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया, तो सभी के चेहरे पे मायूसी छा गई। उसी बीच हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इसे निराश नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का कब पता चलेगा, और सबसे मजे की बात यह है कि विक्रम लैंडर का पता चल गया, जो कि इसरो को बेसब्री से इंतजार था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद पर विक्रम लैंडर थर्मल इमेज खींची है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने रविवार को यह जानकारी दी। के सिवन ने बताया कि चांद के सतह पर विक्रम लैंडर निश्चित तौर पर इसकी हार्ड लैंडिंग हुई होगी। ऑर्बिटर ने जिस कैमरे से यह तस्वीर ली है उसका रेजोल्यूशन अब तक के चंद्र अभियान पे इस्तेमाल किए गए कैमरे से कई गुना ज्यादा रेजोल्यूशन इस कैमरे में है, और इसी कैमरे की मदद से ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें खींच सकेगा। लैंडिंग के वक्त विक्रम लैंडर के क्षतिग्रस्त होने के सवाल पर सिवन ने कहा, अभी इसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे सिचुएशन में इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि विक्रम लैंडर को नुकसान पहुंचा होगा। के सिवन ने बताया कि लैंडर को चांद पर लैंडिंग करने की प्रक्रिया बिल्कुल सही चल रही थी, पर एक ऐसा मोमेंट आया जब चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सडनली इससे संपर्क टूट गया था। फिलहाल विक्रम का पता लगाने के बाद
इससे फिर से संपर्क में जुड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे पहले शनिवार को भी सिवन ने कहा था कि अगले 14 दिन लैंडर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाता रहेगा। एक उम्मीद है कि शायद लैंडर की दिशा सही हो, उसका कोई भी पार्ट्स डैमेज ना हुआ हो और उस पर लगे सोलर पैनल्स सूरज के प्रकाश से उसके बैटरियों को रिचार्ज कर दे। दोस्तों, यह स्पष्ट हो गया है कि ऑर्बिटर सही तरीके से काम कर रहा है। आपको बता दें कि अभियान का मुख्य अवयव ऑर्बिटर ही है। अब विक्रम के बारे में और जानकारियां जुटाने की संभावना बढ़ गई है। जानकारियां मिलने से बहुत जल्द ही ऐसे अभियान की दिशा में फिर से कदम बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अभी अभी खबर मिली है कि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर तिरछा गिरा है, लेकिन मजे की बात यह है कि लैंडर विक्रम टूटा नहीं है, ये सही सलामत है और इस बात की पुष्टि ऑर्बिटर से हुई है, क्योंकि ऑर्बिटर ने कैमरे से जो तस्वीर ली है उसके मुताबिक लैंडर विक्रम को जहां लैंड करना चाहिए उस जगह से बेहद नजदीक जगह पे हार्ड लैंडिंग हुई है। लैंडर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में हमारे वैज्ञानिकों की टीम इस काम में लगे हुए हैं। अधिकारी ने कहा है कि यदि प्रणालियां काम कर रही है तभी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। फिलहाल उम्मीद कम है। आपको बता दें कि एक अहम पहलू एंटीना की स्थिति है। इसकी दिशा या तो जमीनी स्टेशन की तरफ या फिर ऑर्बिटर की तरफ होना चाहिए। ऐसे अभियान कठिन होते हैं, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस मिशन के बारे में क्या सोच रखते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस टेक्निकल मेहताब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी जान पहचान के लोग हैं उन्हें यह शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।